हेलो हेलो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज मनीष पॉल और ये है द मनीष पॉल पॉडकास्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए क्या है, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं पहले से ही कि मनीष आपके पॉडकास्ट में कौन आने वाले हैं, वो जो सामने वाली कुर्सी है उस पर कौन बैठने वाला है। देखिए वो जो बैठने वाले हैं वो ऑलरेडी विराजमान हो चुके हैं। आज यहां पर जो आए हैं वो हैं एक बड़े ही गंभीर प्यारे से डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से मैं आपको मिलवाऊंगा नहीं, मैं सीधा सुनवाऊंगा। डॉक्टर साहब ओवर टू यू। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा। ये तेरी चांद बालियां हैं होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां हैं होठों पे ये गालियां। सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। सूट पटियाला तेरा, जुत्ती अमृत सरिया, दिल कमजोर है मेरा। मुक जाने नखरे तेरे, मेरा इश्क नहीं हो मुकना, पक्का है प्रॉमिस जट दा। लड़े नैनों के पेचे तू दूर से मुझको खेचे, लड़े नैनों के पेचे तू दूर से मुझको खेचे। डोर तू पतंग मैं तेरा है, मैं तो तेरी छत पे जागेरा, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी री इंट्रोड्यूस यू टू दिस मैन सिटिंग राइट इन फ्रंट। ये है आदित्य, और आदित्य जो है इनको वैसे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यस, ही इज द सेम मैन हुज टेकन द इंटरनेट By a storm, which is called Chand Balia. बहुत बहुत स्वागत है आदित्य, so happy to have you on the podcast. Thank you, Manish. I'm honored to be on it. यार 23 million से ज्यादा views, 1 million से ज्यादा reels, और कितने covers बने हैं, मतलब उसकी तो बात ही ना करूं। बच्चे बच्चे की जबान पे तुम्हारा गाना यार। Right. What's the feeling? The feeling is surreal and seriously बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। It was totally unexpected, especially after 2 years of the release. हाँ, ये मतलब यार कमाल की बात है, ये गाना 2 साल पहले अपलोड किया था और इसने आज मतलब वो तो ना सुर्री में आग लगा दी और चलते 2 साल बाद जो फटा है ये। Right. तो ये क्या 2 साल का क्या माजरा है भाई? कोई आइडिया नहीं है मुझे, मैंने तो 2 साल पहले डाल दिया था। अच्छा। और अब जाके वो वायरल हुआ है ऑन इंस्टाग्राम रील्स पहले एंड देन ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। हाँ। तो सीरियसली मेरे को आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है यार। एक्चुअली पता क्या होता है, मुझे लगता है ये जब ऊपर वाला अपना चमत्कार करता है ना, तो उस चमत्कार को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। एंड आई थिंक बिल्कुल तुम वो कर रहे हो, और तुम नहीं सारी ऑडियंस एंजॉय कर रही है इस गाने को। यार 2 साल पहले तुमने ये गाना बनाया, अपलोड किया, कैसे बना, किसका आइडिया था, कहाँ से लिरिक्स आए, कहाँ से ट्यून आई, हम सब जानना चाहते हैं। श्योर, डेफिनेटली, प्लीज बताएं। तो हाँ, तो 2 साल पहले जो है आई वॉज इन गुड़गांव एट दैट टाइम, ट्यून कंपोज की मैंने। और उसी टाइम मेरी वाइफ कंप्लेन कर रही थी कि मुझे चांद बालियाँ चाहिए। तो मैंने गूगल किया क्या होता क्या है चांद बालियाँ, माजरा क्या है। तो मैंने देखा कि अच्छा ये उस टाइप का कुछ है। एंड व्हेन आई वाज राइटिंग द लिरिक्स, तो वो मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो मैंने डाल दिया लिरिक्स में। और बस उसके अराउंड वो घूम गया सारा गाना, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। क्या बात है, देखा, वो सही कहावत होती है, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, और यहाँ पे वो फिर से साबित हो गया। बिल्कुल। कि बीवी से बात करते करते चांद बालियों की बात करी और चांद बालियां डालते क्या गाना बनाया। वैसे यार इतने सारे हिट्स एंड व्यूज हो गए, तो अब तक तो तुम्हें बकरी मिल जानी चाहिए थी। बकरी बकरी यानी कि गोट, GOAT, greatest of all times. But कई बार एकदम से लगता है यार ये कैसे हो गया, मतलब कई बार रात को चूंटी काटते हो अपने आप को? हाँ, मतलब चूंटी तो नहीं, बट हाँ फीलिंग हुई है कि हाँ ये हो क्या रहा है सीरियसली। तो मतलब इट इज वेरी सरियल टू बी वेरी फ्रैंक। यार मतलब डॉक्टर साहब हैं आप, MBBS किया है, तो ये जब आप डॉक्टर बने थे
तो ये डिग्री इसीलिए ली थी कि मरीजों का इलाज करें या फिर उनकी नब्ज देख के पता लगाएं उनको कैसे गाने पसंद है और वो बनाएं। ये डॉक्टर से सीधा यहाँ, आई थिंक दोनों चीजें साथ साथ ही हो गई वो। तो अब ऑब्वियसली आई एम बीइंग अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू क्रिएट सम हैप्पी वाइब्स, तो वही मैं ट्राई करता हूँ कि लोग खुश ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, किस चीज के डॉक्टर हैं वैसे? आई एम अ पैथोलॉजिस्ट। अच्छा, नहीं मैंने जानवरों के हैं तो मेरे दो तीन दोस्त हैं बाहर ही बैठे हैं, तो उनको थोड़ा है, नहीं जानवरों के नहीं है, उनको बोलो घर जाएं जी। तो डॉक्टर साहब, वैसे आपकी वाइफ बहुत खुश होंगी ना, बट कभी वो होती है कि चांद बालियां मेरी थी बाकी सारी ले लेके घूम रही हैं, ऐसा कभी हुआ है उनके अंदर फीलिंग? अभी ये भी है कि मैंने अभी तक दिलवाई नहीं है। अच्छा, तो यार 23 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन रील, ये मैं बोली जा रहा हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और बालियां क्यों नहीं दिलवाई अब तक? अब मेरा अगला एजेंडा वही है कि मैं जाके वही करने वाला हूँ सबसे। यार बिल्कुल, ये मतलब काम डेफिनेटली कर दो। लेकिन यार क्या होता है, हम जब भी अच्छा काम करते हैं हमारे पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, यू नो। लेकिन वो पेरेंट्स जिन्होंने सोचा कि बेटा डॉक्टर बने, उस बेटे ने जब ये गिटार थाम लिया और प्रिस्क्रिप्शंस की जगह लिरिक्स लिखने लगा, तो वो कहीं हुए बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा कहाँ डाला था, कहाँ जा रहा है, कंफ्यूजन हुई? ऐसा बोला नहीं उन्होंने, बट उनकी नजरों से बयान हो जाता था वो ये कुछ मामला कुछ और ही चल रहा है। सो दे वर अ लिटिल कंसर्न्ड, क्या पता नहीं क्या कर रहा है, तो वैसा था। बट आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी राइट नाउ, बट दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव इन द सेंस कि हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, अगर जब तक तू डॉक्टरी कर रहा तब तक कुछ मर्जी कर साथ में। क्या बात है, मतलब डॉक्टरी करो, गाना गाना गाओ, लेकिन डॉक्टरी नहीं छोड़ना है। तो यार ये बताओ, ये जब गाना मतलब बजता है घर में, तो मम्मी पापा भी ग्रूव करते हैं गाने पे, दे एंजॉय म्यूजिक? बिल्कुल बिल्कुल। तो माय मॉम लव्स द सॉन्ग, ये भी, और मेरे एक दो और गाने हैं तो उनके काफी फेवरेट हैं वो। हाँ, उनमें से एक तो मेरा भी बड़ा फेवरेट है, उस पे मैं अभी डेफिनेटली आता हूँ। लेकिन घर में कोई गाना गाता है या आप अकेले ही हैं? नहीं, माय फादर सिंग्स। ओह अच्छा। हाँ, मतलब ऑब्वियसली नॉट प्रोफेशनली, बट वो कुछ पार्टीज वार्टीज में उनको गजल्स बहुत पसंद है, वो सब गाते हैं। नहीं, गाता तो हमारा मोंटी भी है, हमारा डीओपी, बड़ा अच्छा गाना गाता है, ये ही बाथरूम सिंगर। राइट। लेकिन जब ये बाथरूम में गाता है हम बाहर से कुंडी मार देते हैं कि ये बाहर निकले ही ना। तो अलग अलग तरह के सिंगर इस दुनिया में आए, लेकिन आई एम श्योर आप इतना अच्छा गाते हैं तो पिताजी तो बहुत ही अच्छा गाते होंगे, जाहिर सी बात ब्लड में होता है गायकी का, है ना। अच्छा आदित्य, अगर बात करें अभी तक कितने गाने बना चुके हो तुम? मेरे रिलीज सॉन्ग में अराउंड 20-25 सॉन्ग्स हैं अभी। 20-25 सॉन्ग्स आर ऑलरेडी देयर। हां, उनमें से एक मुझे और बहुत पसंद है, वो 11 बजे जो गाना है और उसमें जो लिरिक्स आते हैं, ओ हो यार, वो प्लीज मैं चाहूंगा आप सबके लिए अगर थोड़ा सा गुनगुनाएं। ग्यारह बज गए ना आई चुन्नी सुखाने वो, दे दो इस गरीब को कोई चिंगम चबाने को, एसी में तू गोरी गोरी धूप में मैं काला काला, 9 बजे की डील करके सॉरी बना डाला, आया तेरे दर्शन को था दूर से कबीरा, तेरे सामने क्या जोली और क्या शकीरा, 11 बज गए। ये जो हुआ था वो तो आई थिंक माइंड ब्लोइंग, बट यार तुम खुद ही लिखते हो अपने सारे गाने? यार बड़े अच्छे, मतलब आई लव द लिरिक्स जो, एंड आई थिंक ये एक जो नया ट्रेंड आ रहा है ना, आई थिंक जो नॉट रियली फिल्मी सॉन्ग्स, आई थिंक ये नॉन फिल्मी सॉन्ग्स हैं जो आप लोगों ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है, एंड द वे दीज सॉन्ग्स आर टेकिंग ओवर, आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज है। तो ये चेंज आप देखते हो जो हो रहा है? हाँ, आई थिंक बिकॉज ऑफ इंडी म्यूजिक और जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, दे आर ग्रोइंग, बिकॉज जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, दे आर बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक, एनीबॉडी कैन रिलीज एंड यू डोंट नीड एनी मतलब हेल्प फ्रॉम अ बिग हाउस और एनीथिंग। सो उस वे में डेमोक्रेटिक है, तो पीपल कैच ऑन टू गुड सॉन्ग, गुड म्यूजिक ऑन देयर ओन, so which is a very good thing। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ यू, यू पीपल हैव टर्न्ड द टेबल्स, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज पहले क्या होता था, आपको बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को आप लोगों की ज़रूरत है, बिकॉज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, ये गाना बहुत जल्दी किसी बहुत बड़ी फिल्म में होने वाला है और बहुत बड़ा हीरो इस गाने पे पिक्चराइज होगा, ये आई कैन फोर सी दैट, और ये डेफिनेटली होने वाला है। आई वुड लव टू सी दैट 100%। लेकिन अगर बॉलीवुड की भी बात करूँ यार, वनवास करके एक शॉर्ट फिल्म आई थी, करेक्ट? राइट। उसमें आपने म्यूजिक भी दिया था, राइट, आपने गाना भी गाया था, लेकिन वो करते ही मुंबई से वनवास क्यों ले लिया, मतलब गायब क्यों? हाँ, वो सो व्हाट हैपेंड इज माय फादर वाज नॉट वेल, सो आई हैड टू शिफ्ट बैक टू गुड़गांव विद माय फैमिली, तो फॉरेस्ट ट्रीटमेंट, एंड आई हैड टू बी विद हिम ऑब्वियसली। अच्छा। तो उस चीज के लिए फिर आई हैड टू लीव बॉम्बे,
एंड बी बैक विद द फैमिली. सो मैं फिर वापस गया मैं एंड आई स्टार्टेड डूइंग मेडिसिन साइड बाय साइड एंड बट म्यूजिक मेरा चलता रहा क्योंकि वो कीड़ा है तो है, वो छूटता नहीं है वो. तो दिन में हम मतलब मेडिसिन करके एंड रात को आई एम मेकिंग म्यूजिक, तो वैसा सीन चल रहा था वो. तो कभी ऐसा हुआ किसी का ट्रीटमेंट करते हुए या किसी पेशेंट को मिलते हुए अंदर से गाने निकल रहे हो, कभी ऐसा हुआ? ऐसा होता है कई बार होता है. नब्ज़ देख रहे अंदर चल रहे तेरी सॉन्ग की नब्ज़ है ऐसा कुछ हो. एक्चुअली आई एम अ पैथोलॉजिस्ट, सो मेरा पेशेंट इंटरेक्शन उतना नहीं है. अच्छा. आई एम मोर इनटू यू नो माइक्रोस्कोप में देखना और वो सब. तो माइक्रोस्कोप में ये तेरे बैक्टीरिया ये गए उसमें ऐसा कुछ? ऐसा कई बार होता है व्हेन आई एम सीइंग द स्लाइड्स ऑन माइक्रोस्कोप, तो मेरे को दिमाग में लिरिक्स आ गए हुए, तो मैं उसको दो मिनट ब्रेक लेके लिरिक्स लिख लेता हूं. ओए क्या बात है यार, आई लाइक दैट. अच्छा, आई गेट बैक टू द स्लाइड अगेन. तो वो सब चलता रहता है. क्या बात है. तो मतलब तुम्हारे दिमाग में अलग स्लाइड चल रहे होते हैं अपने लिरिक्स के, और वो स्लाइड से ज्यादा उस स्लाइड पे भी ये चले जाते हैं. कभी कभी हो जाता है. हाँ ठीक है, ये तो मतलब ये जरूरी है, ये क्रिएटिविटी जो है आई थिंक तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी कारण हमें इतने कमाल के गाने सुनने को मिल रहे हैं यार, है कि नहीं? अच्छा, जो वाइफ है वो भी बड़ी एक्साइटेड है इस गाने को लेके, एंड व्हाट वाज हर रिएक्शन जब उन्होंने देखा कि गाना इतना पॉपुलर हो गया, एवरीबॉडी सिंगिंग टू द ट्यून? शी इज वेरी एक्साइटेड डेफिनेटली, एंड शी इनिशियली वो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड थी, एंड आई वाज लाइक यार अभी कंफर्म नहीं है, एक बार देख लेते हैं कि सच में वायरल हो रहा है नहीं हो रहा है. इतना जल्दी खुश मत हो. एंड शी वाज लाइक नहीं हो गया वायरल, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम द रीजन फॉर इट ऑब्वियसली. एंड ठीक है, नहीं ऑब्वियसली यार, आई थिंक बहुत जरूरी होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए ग्रो करने में, आई थिंक फैमिली का एंड आपके पार्टनर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और वो कंट्रीब्यूशन जो है वो डेफिनेटली रंग लाया है. definitely. अच्छा, बॉलीवुड की अगर बात करें, यू नो हुज योर फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, फेवरेट सिंगर, कौन पसंद है? देर आर सच बिग जायंट्स इन बॉलीवुड जिनके बहुत सारे वर्सेटाइल मतलब म्यूजिक हैं. जैसे अब रहमान साहब तो ऑब्वियसली ऑल टाइम फेवरेट हैं, देन प्रीतम दा एंड अमित त्रिवेदी एंड लाइक सो मेनी गुड सॉन्ग, एंड मैं सबके नाम तो मेरे को अभी याद भी नहीं आ रहे हैं, बट मैनी ऑफ सब ने ही अच्छे अच्छे गाने निकाले हैं ऑब्वियसली सॉन्ग के हिसाब से. कोई इंस्पिरेशन है मतलब जिनको देख के आप? जैसे मैं अगर बात करूँ तो बच्चन साहब, यू नो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी इस इंडस्ट्री में आने के लिए. तो कोई एक ऐसे हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं, जिनको आप देखते हो लगता है बस यार मजा आ गया? मुझे आवाज अरिजीत सिंह की बहुत सही लगती है. हाँ अरिजीत सिंह, मैं बिग फैन. हाँ मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ अरिजीत का, बहुत अच्छा. उन्होंने मेरी फिल्म का भी एक गाना गाया था, मेरी फर्स्ट फिल्म जो थी उसमें तो उसे नैना करके गाना था, वो अरिजीत ने गाया था. सो आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट. बट अगर कोई एक गाना अरिजीत का भी आपने गुनगुनाना हो तो कौन सा होगा वो? फिर ले आया दिल थोड़ा सा गाता. हाँ प्लीज. अरे यार क्या बात है, बड़ा अमेजिंग गाना है. फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजे, रास ना आया रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा है उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है. क्या बात है यार, वाओ यार, बहुत डिफिकल्ट गाना है और आई थिंक बड़ी आसानी से आपने गा दी. तो आप रियाज वगैरह भी करते हैं दिन में, टाइम देते हो उसको? मैं आई ट्राई टू डू एट लीस्ट वंस अ डे, बट वो हो नहीं पाता है, बट लाइक 4-5 दिन हफ्ते में मैं कर लेता हूँ रियाज. क्या बात है, नॉट बैड, 4-5 दिन बहुत है. अच्छा तो मनीष जी भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं. जी मैं सुना है, मैं थोड़ा सा. हाँ नहीं आपके साथ कुछ भी. हाँ कौन सा रिजीत आपकी फिल्म का? अच्छा तो सुन, चलो मैं ठीक है, अपनी टीम अब मेरी तारीफ कर रही है, तो मैं भी एक लाइन सुनाता हूँ. प्लीज. तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले, तो से नैना जब से मिले ओ सुध बुध खोई है खोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे, तो से नैना. क्या बात, क्या बात है.
क्या बात है यार, ये आज मेरे साथ कर दिया लोगों ने, बड़े बदमाश है भैया। थैंक यू सो मच मेरी टीम, बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य मैं आज यू नो व्हाई आई एम सो हैप्पी टू हैव यू, क्या होता है ना, देखो हम लोग सब बड़ी मेहनत करते हैं एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, और आज इस पॉडकास्ट को बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग जो तुमसे इंस्पायर होते हैं वो लोग देख रहे हैं, और वो भी टैलेंटेड हैं, वो गाने बनाते हैं, लिखते भी हैं, बट उन्हें है कि यार हम कैसे यहाँ तक पहुँचे, हमारा गाना कैसे अच्छा लगे, वीडियो कैसे बनाए, उतने पैसे नहीं है, उतना माध्यम नहीं है, तो उनको क्या बोलना चाहते हो यार कि कैसे करें? सो आई थिंक जो असली क्रिएटिविटी है वो इसी चीज़ में है कि कम रिसोर्सेज में आप कैसे अपना काम दिखाओगे। सो ठीक है, आइडियाज़ एंड एवरीथिंग, क्रिएटिविटी जो आप उसमें कहते हो कि गाना बनाने में या वो सब ठीक है, बट टू मेक अ वीडियो एंड पुट इट आउट ऑल्सो रिक्वायर सम काइंड ऑफ कि आपका आइडिया कैसा है, हाउ कैन, आजकल तो बहुत रिसोर्सेज हैं, लाइक आप आईफोन से भी अगर शूट करते हो तो यू कैन गेट अ वेरी गुड क्वालिटी। So you have to find the like-minded creators, like just like a musician who is trying, there are videographers who are also trying. So you connect with them and you know, आप उनसे बात करो, and तो वो ऐसा नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों ही चाहिए वीडियो बनाने के लिए, you can, आप बिल्कुल जीरो बजट में भी वीडियो बना सकते हो if you have the right passion और वो। क्या बात है, तुम्हारे बोलते हो चार लड़के ऑलरेडी निकल चुके हैं घर के दरवाजे के बाहर, वो ऑलरेडी दौड़ रहे हैं वीडियोग्राफर ढूंढने के लिए, ये बहुत जरूरी है और अच्छी बात कही, बिकॉज क्या होता है ना कई बार लोगों में टैलेंट है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा, उन्हें लगता है हर चीज में ना करोड़ों रुपए लग रहे हैं, इतना बड़ा वीडियो कैसे बनाऊंगा, ये कैसे एंगल लगेगा। तो आई थिंक बहुत बड़ा एग्जांपल यहाँ हमारे सामने है आदित्य, जिन्होंने नॉर्मल तरीके से गाना गाया, कोई बहुत ये हूँ कुछ नहीं, जामा नहीं, एकदम नॉर्मल गाना, और इतना खूबसूरत मेलोडियस गाना विच हैज टेकन द नेशन बाय अ स्टॉर्म। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो इतने खूबसूरत आप वीडियो देख रहे हैं ना जो आदित्य बना रहे हैं, नहीं 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 यार मैं खुद नहीं कर रहे, क्योंकि उसके पीछे आपकी धर्म पत्नी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, माधवी जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट माधवी जी, हाउ आर यू प्रोड्यूसर साहिबा? जी हाँ, वही हैं जो गाने प्रोड्यूस करती हैं, तो यार उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, कहाँ मिले, कैसे मुलाकात हुई? तो वी मेट इन मेडिकल कॉलेज, तो शी वॉज डूइंग हर MBBS और मैं उसका टेबल टीचर था, लाइक आई वॉज सॉर्ट ऑफ MD पैथ, तो उनकी मैं प्रैक्टिकल्स की क्लासेस लेता था, तो वहीं से मैंने थोड़ा सा फ्लर्ट करना शुरू किया। तो उसने 2 साल भगाया मुझे, एंड देन फाइनली वी हिच्ड टुगेदर। तो क्या बात है, क्या बात है, और उसके बाद जब फाइनली ये, जब आपने अपना, आपका म्यूजिक पैशन तो पहले से ही था आई एम श्योर उनको पता होगा, लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया कि चलो मैं तुम्हारा वीडियो प्रोड्यूस करती हूँ, या क्या होता है ना एज अ कपल आप लोग आपस में बात करते हो कि यार माधवी मैं सोच रहा हूँ मैं ना गाने का वीडियो बना दूँ, ये कौन, कब स्टार्ट हुई थी बात? नहीं वो सोच तो मैं ही लेता था कि मैं बनाऊंगा वीडियो, एंड देन ऑब्वियसली जिसके पास पैसे ज्यादा होते थे वही लगाएगा। आई लव दैट, जिसके पास पैसे ज्यादा वो लगा, मेरे पास तो टैलेंट है भाई, मैं तो टैलेंट लगाऊ पैसे तुम लगा। लेकिन आई थिंक बहुत बहुत खूबसूरत और बढ़िया वीडियोज आप लोग बनाते हैं, एंड आई थिंक ये ऐसा ही रहे, आई थिंक बहुत बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यार वहाँ वीडियो बना रहे हो, गाने बना रहे हो, यार मेरे पॉडकास्ट पे बैठे हो, यार मेरी रिक्वेस्ट है चांद बालियां पे एक काम करते हैं यार, मेरे शो का एक जिंगल बनाते हैं, डन? हाँ एक उस पे कुछ करें, परफेक्ट। तो एक मिनट लिख लेते हैं, मैं भी अपना हथियार उठा लूं। हाँ प्लीज अपना हथियार उठाएं, और एक सेकंड, तो तर दर 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 हर जुबा हर जुबा हर जुबा हर जुबा पे बातें होती, हर जुबा पे होती बात नहीं, हर जुबा पे बातें होती, हर जुबा पे बातें होती जिसकी हर, हर जुबा पे बातें होती जिसकी हर जगह रे। मस्त है बड़ा ये छोकरा, अरे भाई मस्त है बड़ा ये छोकरा, ओके। हर जुबान पे बातें होती जिसकी हर जगह रे, मस्त है बड़ा ये छोकरा। और सर यहाँ से कोई बताओ, कोई एक वर्ड बताओ, आपका भी इनपुट लेंगे, जूते वाला लीजिए ना, चमकीले जूते। अच्छा अच्छा, हाँ चमकीले, चमकीले जूते पहने
जूते, हाँ जूते चमकीले इसके बातें सौ टका रे, जूते चमकीले इसके बातें सौ टका रे, जूते चमकीले इसके बातें सौ टका रे, छोकरा और उसके साथ रवि काफी, हाँ सवालों का टोकरा, सवालों का फेंके टोकरा, अरे वाह ग्रेट, सवालों का फेंके टोकरा, ओके ओके एक बार यहां से लेते हैं। हर जुबान पे बातें होती जिसकी हर जगह रे, मस्त है बड़ा ये छोकरा, जूते चमकीले इसकी बातें सौ टका रे, सवालों का फेंके टोकरा, ये मनीष पॉल पॉड, हाँ ये मनीष पॉल पॉडकास्ट है यूट्यूब पे टेलीकास्ट, अरे वाह वाह ओके, ये मनीष पॉल पॉडकास्ट है यूट्यूब पे टेलीकास्ट चैरिटी का एंगल लाते हैं, चैरिटी है ना, चैरिटी, हाँ ये मनीष पॉल पॉडकास्ट है यूट्यूब पे है टेलीकास्ट, चैरिटी भी होती है यहाँ क्या रे, ओके तो ओके अब इसको पूरा करते हैं, चलो हर जुबान पे बातें होती जिसकी हर जगह रे, मस्त है बड़ा ये छोकरा, जूते चमकीले इसकी बातें सौ टका रे, सवालों का फेंके टोकरा, ये मनीष पॉल पॉडकास्ट है यूट्यूब पे टेलीकास्ट, ये मनीष पॉल पॉडकास्ट है यूट्यूब पे टेलीकास्ट, चैरिटी भी होती है यहाँ रे, साडा मुंडा देखो छा गया, चेक चेक चेक, हरे साडा मुंडा देखो छा गया, आहा क्या बात है, जुबा ओए बहुत बहुत यार, मैं बड़ा क्या बात है यार, मजा आ गया आदित्य, क्या बात है यार, मतलब अब मेरे शो का एक नया जिंगल बन चुका है, लव दैट। वैसे अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा गिटार को रख दीजिए, माला उतार लीजिए, बिकॉज अब मैं अपने सवालों की AK-47 निकाल के रेडी हो चुका हूँ, देखते हैं अब आदित्य इन सवालों के जवाब दे पाएगा या नहीं, बस दे ही देगा, नाइस गाय, राइट ओके आदित्य, अगर मैं तुमसे बात करूं और तुमसे पूछूं कि बतौर सिंगर एंड कंपोजर तुम्हारा फर्स्ट पे चेक क्या था ये ना ही पूछे तो बेटर ज्यादा सी आई टेल यू, आज हम शेयर करते हैं, देखो मैं हमेशा मेरे शो में मैं लोगों को गेस्ट या सेलिब्रिटी नहीं बुलाता हूँ, मैं ब्रदर बुलाता हूँ, यू नो बिकॉज क्या होता है, मैं बात करता हूँ, अगर मैं अपने फर्स्ट पे चेक की बात करूँ जो मुझे बतौर होस्ट मिला था वो था 300 रुपए का, या 300 रुपीज यार फर्स्ट पे चेक मैन, तो अगर तुमसे बात करूं तो फर्स्ट पे चेक तुम्हें कितने का मिला था? आई थिंक 8,000 रुपए का था कुछ क्या बात है, कैन यू इमेजिन यार, देखो ये बातें क्यों जाननी जरूरी है, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स अबाउट कि कहां से कहां तक जर्नी पहुंचेगी, आई थिंक इसीलिए ये एक बार याद करना जरूरी होता है, तो मैंने चलो एक बार ये जरा जानते हैं। अच्छा अगर मैं पूछूं, अगर मैं इन सिंगर्स का नाम लूं, तुम्हें इन्हें 1-4 रेट करना है कि तुम्हारे हिसाब से नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन, नंबर 3 कौन, नंबर 4 कौन, सोनू निगम जी, सुखविंदर सिंह जी, ओह मिकापा जी एंड अरिजीत सिंह देखो पहला तो मुझे बताइए, सब वन पे है मेरे यार अभी देखो नहीं मैं इस पे ज्यादा तंग नहीं करना चाहूंगा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, तो आई थिंक सब नंबर 1 पे हैं, हाँ वैसे यार एक्चुअली बताऊं ये सारे ही नंबर 1 यार, मुझे बताओ किसको सेकंड करोगे आप, सोनू निगम जी को कर नहीं सकते आप, अरिजीत जी को, सुखविंदर जी को या मीका पाजी को नहीं कर सकते आप, आई थिंक इन्होंने जो
गाने दिए हैं, जिस तरह का म्यूजिक दिया है, गाने गाए हैं, जिस तरह के शोज करते हैं, आई थिंक एंड दे आर ऑल सो वर्सेटाइल, मतलब लेजेंड्स, सब कुछ किया हुआ है उन्होंने, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक ठीक है, इसमें मैं थोड़ा दे देता हूँ ग्रेस। अच्छा मुझे ये बताओ, व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू बिकम अ सेलिब्रिटी, ये पहली फीलिंग कब आई? देखो अभी भी मैं सेलिब्रिटी नहीं मानता अपने आप को, बट हाँ मतलब अभी फ्लाइट में व्हेन कपल ऑफ पीपल दे आस्क्ड फॉर अ सेल्फी और वो सब, तो मुझे लग रहा था कि हाँ लोग जानना शुरू कर गए, एंड आई वाज वेयरिंग अ मास्क टिल दे रिकॉग्नाइज्ड, तो मुझे काफी हाउ कूल ना, काफी सही लगा मुझे। उसके बाद तो नहीं हुआ कि तुमने डबल मास्क पहनना शुरू किया, ऊपर तक पहनना चाहिए मास्क में पहना। अच्छा मेरे को बताओ यार, क्या होता ना जब फैंस मिलते हैं, कई बार बड़ी फनी चीजें होती है। मैं अपना इंस्टेंस बताता हूँ, मुझे याद है मैं एक एयरपोर्ट पे था, तो क्या हुआ एयरपोर्ट पे मैं दौड़ता हुआ जा रहा था, और वहां से एक औरत पीछे से दौड़ती हुई आ रही थी, यू नो आज देर ये एक्सक्यूज मी, मैं रुका, कहती है हाय एक्चुअली नहीं, मेरी बेटी बहुत बड़ी फैन है आपकी। मैंने कहा सो स्वीट, कि मैं बहुत दूर से दौड़ती आ रही हूँ, इसको आपके फोटो चाहिए, एक ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने कहा ओके डन। तो मैंने कहा अरे बेटा क्या हाल है, क्या नाम है आपका? अब मेरे को पहचाना, मेरा क्या नाम है? कहती मुझे तो पता नहीं, मम्मी घसीट के लाई फोटो खींचने की। तो मतलब ये उन्होंने कहा कि उनकी बेटी फैन थी, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, मतलब कोई क्रेजी इंस्टेंस? हाँ मेरे एक शो पे आई वाज लाइक मतलब मैं स्टेज पे गया, और मैं शुरू कर रहा था, आई वाज लाइक साउंड चेकिंग एंड ऑल, तो आवाज आती है कि चांद वालिया वाले को बुलाओ, एंड आई वाज लाइक कि मैं ही हूँ यार, मैं ही हूँ चांद वालिया, सो पीपल नो द सॉन्ग बट दे स्टिल डोंट नो मी। हाँ यार ये एक्चुअली होता है, यू नो कई बार होता है कि गाना इतना पॉपुलर हो गया, लोगों को पता नहीं गाया किसने, लिखा गाना गाओ यार, और क्या फर्क पड़ता है लोगों को, ये कई बार हो जाता है। अच्छा क्या ज्यादा डिफिकल्ट है, प्रिस्क्रिप्शन लिखना या लिरिक्स लिखना? लिरिक्स लिखना थोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट आई थिंक हो जाता है। अच्छा एक सबसे बढ़िया कमेंट जो आपके फैंस ने या किसी चाहने वाले ने सोशल मीडिया पे लिखा है, और एक वर्स्ट कमेंट जो सोशल मीडिया आपके बारे में लिखा है। सबसे बढ़िया तो एक था कि आई सेंट दिस सॉन्ग टू माई क्रश, नाउ शी इज टोटली इन लव विद द सॉन्ग। वाह अमेजिंग। ओके और वर्स्ट वाले मुझे आई डोंट नो, मतलब आई वोंट से वर्स्ट, बट व्हेन दे कंपेयर विद अदर आर्टिस्ट्स कि यू साउंड लाइक दैट, यू साउंड लाइक दैट, सो वो आई थिंक यू टेक अवे द इंडिविजुअलिटी ऑफ द आर्टिस्ट, ऑल्दो दे माइट नॉट हैव दैट इंटेंशन, बट वो कहीं ना कहीं नहीं, बट मुझे भी लगता है तुम्हारी आवाज ना मिलती है किसी सिंगर से, आई नो तुम्हारी आवाज ना उससे मिलती है, वो है ना चांद बालियां वाला। अच्छा नहीं ऑब्वियसली देयर कैन बी अ सिमिलैरिटी, बट नहीं ठीक है, मतलब बट आई स्टिल फील कि ये मैं कह सकता हूँ, और बहुत से लोग मानेंगे इस बात को, कि तुम्हारी आवाज मुझे किसी से मिलती नहीं लगती, वो एक स्टैंड अलोन आवाज लगती है। मतलब अगर तुम्हारा मैं गाना सुन रहा हूँ, तो एक बार बंदा घूम के कहता है अरे ये आवाज कुछ अलग है यार, यू नो, तो वो चीज है, और आई थिंक वही चीज लोगों को बहुत पसंद आई है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यार जो सक्सेस तुम्हें मिली है, ये ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे, एक से बढ़कर एक गाना तुम हमारे तक लाते रहो, ताकि हमारी जो ऑडियंस है जो ऑलरेडी कई बार बड़े परेशान भी होते हैं, बड़े डिफिकल्ट टाइम्स में होते हैं, इसी तरह के गाने सुनते हैं, तो अपने दुख दर्द भूल के एकदम थोड़ी देर के लिए मज़े में चले जाते हैं। सो ऐसा ही करते रहो। लेकिन जाने से पहले अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को कुछ कहना है? I love you all. Keep loving me. Keep supporting me. Keep sharing the songs. And I really hope I keep creating music that entertains you. क्या बात है! Thank you so much, Aditya. Yeah, lovely. एक बार कोई दूसरा गाना सुनना चाहेंगे आपसे? एक तो इनकी डिमांड नहीं खत्म, मेरे हमारे राइटर साहब है कल्पेश जी, ये मैं बता रहा हूँ, ये खुद मजे लेने आते हैं यहाँ पे, लिखी इन्होंने चार पांच लाइनें, मेरे लिए खुद मजे लिए जा रहे हैं, हमसे गाने गवा रहे हैं। अच्छा ठीक है, सर की डिमांड, सर प्लीज कोई सर गिटार ले लीजिए। So I'll sing this song called Lajpat Nagar to Meena Bazaar. Arre wah, okay. Nikliyan faujan aaj shopping nu. Oh, chadhya hai din aaj kamal. Aana nahi pasand kuch pehla dasta. Main maal sara jana hai bekaar. कैसे मिलेगी कुर्ती मैचिंग कलर में, इसको ना मिलता है रुमाल, रेट हिला के लाजपत नगर का, मैडम चली मीना बाजार,
सेल लगी है देख के इसको, काला सा जादू है ये ना। क्या बात है यार, यार आदित्य, मतलब मैं ऑनेस्टली भी देख रहा था आदित्य को, इतना सिंपल सा, स्वीट सा, प्यारा सा लड़का लग रहा है बैठा हुआ, लेकिन पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि गिटार ने लड़का पकड़ा है कि लड़के ने गिटार पकड़ा हुआ। मुझे तुम्हारा गिटार ज्यादा तगड़ा लग रहा है तुमसे। मतलब तुम कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जिम वगैरह? हाँ, मैं अभी करूंगा स्टार्ट थोड़ा बहुत। नहीं मतलब सिर्फ शटर नहीं खोलना, अंदर जाके बाहर भी आना, मतलब वेट्स उठा के, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? सही है यार। वैसे इतना चांद वालिया फेमस हो गया, मेरा मन कर रहा है आज मैं तुम्हें गोद में उठा के घर ले जाऊं और अपनी बीवी को बोलूं, बेबी मैं तुम्हारे लिए चांद वालिया लाया हूं। तो आई थिंक इससे ज्यादा इजी शॉपिंग नहीं रहेगी मेरे लिए। सही है। ऑलराइट, विद दैट थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस एट द मनीष पॉल पॉडकास्ट। मुझे पूरा यकीन है आपको मजा आया होगा। नहीं, जाने से पहले आज का ज्ञान देखिए, हमेशा याद रखिए, हाथ उसी का पकड़ो जो कभी ना छोड़े, हाथ उसी का पकड़ो जो कभी ना छोड़े, जैसे कि बिजली की तार। थैंक यू, बाय बाय। ये मनीष पॉल पॉडकास्ट है यूट्यूब पे टेलीकास्ट, ये मनीष पॉल पॉडकास्ट है यूट्यूब पे टेलीकास्ट, चैरिटी भी होती है यहाँ रे, साडा मुंडा देखो छा गया, ओहो साडा मुंडा देखो छा गया।